जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हम बात करेंगे काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। और जाहिर सी बात है, अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो आप फ़ौरन के लिए जो कोई ना कोई सर्च ज़रूर कर रहे होंगे, तो उससे ही रिलेटेड काफ़ी काफ़ी बेहतरीन मैं जो इस वीडियो के अंदर है वो बताने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको जानना ज़रूरी है अगर आप फ़ौरन के लिए कहीं भी जॉब सर्च कर रहे हैं, कोई सी भी कंट्री जॉब करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाइए, लेकिन उसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर जो कि आपको मालूम होना चाहिए और आपके अंदर वो चीज़ का पेशेंस होना ज़रूरी है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे जो ये है जॉब से रिलेटेड, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन उससे जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो फॉरेन की जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी भी कंट्री वो जाना चाहते हैं, तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता किस तरह से हमें आगे अप्लाई करना, किन लोगों पर हमें भरोसा करना, किन लोगों पर नहीं भरोसा करना। और उनकी वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ, अब काफ़ी जल्दी ही कुछ अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन लोग बाहर जा सकते हैं और उनके लिए अच्छा रहेगा और कौन से लोग बाहर ना जाएं, तो वो चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए कि मुझे कौन से फील्ड में जॉब करना है और मैं कौन से फील्ड के लिए जो हूँ यहाँ पे काम करता हूँ और बाहर जाके कौन से फील्ड में काम कर सकता हूँ। और उससे पहली भी चीज़ एक ये है कि अगर आप किसी भी शहर में या किसी भी गांव के आप रहने वाले हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकले हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप अपने घर से बाहर किसी भी शहर में या कहीं भी अपने जो पास में सिटी हो वहाँ पे जाकर बाहर जॉब करें, वहाँ पे जो भी जॉब करना है वो करें, बाहर का माहौल जान जाएंगे, उसके बाद में आप फ़ौरन निकलने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु ऐसे होते हैं गाँव और कस्बे से कि वो बाहर तो निकले नहीं होते हैं, डायरेक्टली फ़ौरन की जॉब तलाश करते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो आपको पता है घर जैसा माहौल तो होता नहीं है, वहाँ पे जाने के बाद में परेशानी होती है और लैंग्वेज की परेशानी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बंदे को प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो पहले आप घर से बाहर निकलें, घर का माहौल और होता है और बाहर का माहौल और होता है, यानी कि इन्वायरमेंट जो रहता है वो डिफरेंस रहता है। तो आप बाहर निकलेंगे, आपको इन्वायरमेंट का मालूम पड़ेगा, लोग मालूम पड़ेंगे, उसके हिसाब से आप कहीं भी जाकर अपनी जॉब कर सकते हैं और पा सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, अगर कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है आप अगर कहीं भी हार्डवर्क कर सकते हैं तभी बाहर के लिए अप्लाई कर पाएँ। अदरवाइज आपको हार्डवर्क नहीं आता, आपने स्टडी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो पूरी की है, उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि 12th करने के बाद में, बीए करने के बाद में, एमबीए करने के बाद में, कि भाई मैं बाहर जाने के बाद में एक क्या होता है, बंदे का क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद में अगर उससे उसके फील्ड की जॉब नहीं मिलती है तो वो कोई सी भी फील्ड में चला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, आप 10th 12th पास हैं, अगर आपको एक हार्ड वर्क करने पड़ेगा तो सबसे पहले आप अपने घर में जो हार्ड वर्क रहता है वो करें, उसके बाद में बाहर निकलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि घर में तो कुछ काम किया नहीं होता, घर में तो बिल्कुल खाली रहते हैं, लेकिन बाहर जब जाते हैं काम करना पड़ता है तो वहाँ पे जो है फिर सामने वाले को गलत बोलते हैं कि मुझे उसने भेजा था, उसने फंसा दिया, उसने ये कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ यही है, अगर आप बाहर के लिए कोई भी जॉब तलाश कर रहे हैं तो आपको हार्डवर्क आना चाहिए। जब आपको हार्डवर्क आएगा तो आप कहीं भी जाकर अपनी जॉब जो सर्च कर सकते हैं और आप जॉब पा सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हैं तो कहीं भी आप अप्लाई करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इन्वायरमेंट जो होता है सबका चेंज चेंज होता है, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यही जो नॉलेज था मैं आपको देने वाला था, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको मालूम हो जाए कि हमें
हार्डवर्क, अगर चीज़ें आती हैं तो अपने घर से बाहर निकल कर वो चीज़ों को करें और सीखें, उसके बाद में हम फ़ौरन के लिए जॉब सर्च करें और अप्लाई करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।